Hello everyone. Yes, Vikram, today we are going to start some question from exercise 15.1. Okay. First question: record of a weather station shows that out of past 250 days, consecutive days, its weather forecast were correct 175 times. Okay. क्या है आपको एक वेदर फोरकास्ट स्टेशन का कुछ रिकॉर्ड दिया गया है पिछले 250 दिनों का, उसमें से 175 टाइम वो करेक्ट देता है, ठीक है, और वेदर फोरकास्ट, और जो रिमेनिंग है वो क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं होता, ठीक है। आंसर स्टार्ट करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच The past record is available. Past record is available. Ticket is equals to 250 days. Weather forecast were correct 175 times. Correct weather forecast days किया, ठीक है बेटा, और not correct weather forecast टोटल माइनस करेक्ट वाला टोटल कितना है 250 बेटा, करेक्ट कितना है 175, रिमेनिंग कितना रह गया 75 डेज, ठीक है बेटा। फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन डे इट वाज करेक्ट, वो जो वेदर फोरकास्ट दिया है वो क्या है, करेक्ट है। लेट इवन बी द इवेंट वेदर फोरकास्ट on that given day is correct, ठीक है, और correct वाले chances कितने बेटा 175, and let E2 be the event weather forecast on that given day is not correct, day is not correct, और not correct वाले कितने दिए बेटा 75, ठीक है। probability of even, even means क्या है कि weather forecast correct है, correct वाले chances कितने बेटा 175, क्या होता है number of favorable cases upon total number of cases बेटा, यस बेटा 175 अपॉन 250, ठीक है बेटा, 5 3 2 5 5 10 7 अपॉन 10 दैट इज 0.7, क्या है बेटा 0.7, तो करेक्ट जब वो वेदर फॉरकास्ट होता है वो कितना है 0.7 है, अगर जो करेक्ट नहीं होता कितना है बेटा इनकोरेक्ट, E2 मींस क्या है इनकोरेक्ट, इनकोरेक्ट कितना है 75 अपॉन कितना 250, 3 अपॉन 10 दैट इज 0.3, और इन दोनों का जो सम चेक कर लीजिए PE1 प्लस PE2 0.7 प्लस 0.3 आंसर इज 1, अगर कभी सम 1 बन जाता है, जब जब 1 बनेगा तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा राइट होगी, तो ये क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सही है। हमने क्या किया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको 250 डेज पास्ट 50 डेज का वेदर फोरकास्ट रिकॉर्ड दिया गया है, ठीक है, उसमें से जब वो करेक्ट
वेदर फोरकास्ट होता है ऐसे कितने टाइम्स है, 175 टाइम है, तो रिमेनिंग क्या है, नॉट करेक्ट है बेटा। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें वेदर फोरकास्ट करेक्ट आने की और नॉट करेक्ट आने की। करेक्ट आने की कितनी बेटा, 175 अपॉन 250 दैट इज 0.7, और करेक्ट ना आने की 75 है। करेक्ट ना आने वाले केसेस टोटल कितने हैं, 253 अपॉन 10 अपॉन 10 दैट इज 0.3। दोनों का जो सम आ रहा है वो 1 आ रहा है, मींस फर्स्ट क्वेश्चन ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेटा सेकंड क्वेश्चन, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर ए टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। एक कंपनी के पास रिकॉर्ड है कि कितने टाइम के बाद, कितना डिस्टेंस कवर करने से पहले आपको, के बाद आपको ये टायर को रिप्लेस करना पड़ेगा। द टेबल शो द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस, कितने केसेस लिए बेटा 1000। डिस्टेंस ऊपर डिस्टेंस लिखा है, नीचे लिखा है कि ऐसे कितने केसेस होने वाले हैं, लेस देन 4000, तो ऐसे कितने केसेस बेटा 20 केसेस हैं, जिसमें 4000 किलोमीटर से पहले हमें टायर को रिप्लेस करना पड़ा, बदलना पड़ा, वो कितने केसेस है बेटा 20 केसेस हैं। 4000 टू 9000, तो ऐसे कितने केसेस हैं 210 केसेस हैं बेटा। 9001 टू 14000 तक के कितने केसेस है 325 ओके, और मोर देन 14000 वाले केसेस कितने बेटा 445 केसेस हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इट विल नीड टू बी रिप्लेस बिफोर इट कवर्ड 4000 किलोमीटर, बिफोर मतलब उससे पहले ही चेंज करना पड़ेगा। लेट इवन बी द इवेंट दैट टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर 4000 किलोमीटर। कितने केसेस हैं बेटा 4000 से पहले वाले, कितने केसेस हैं 20 केसेस हैं, कितने केसेस हैं बेटा 20। तो पी ऑफ इवन, इवन मींस क्या कि उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब हमारा टायर रिप्लेस करना पड़ रहा है 4000 किलोमीटर से पहले ओके। कितने फेवर में बेटा 20, और टोटल कितने केसेस की बात की गई है बेटा 1000 केसेस की, कितने केसेस की बात की गई है 1000, और 20 अपॉन 1000 दैट इज 1 अपॉन 0.02 इज आर फर्स्ट आंसर। सेकंड, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, 9000 किलोमीटर से ज्यादा, 9000 से किलोमीटर से ज्यादा वाले, लेट ई टू बी द इवेंट दैट टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड replaced more than 9000 kilometers, more than 9000, yes बेटा 9000 से ज्यादा होना चाहिए। उसने कुछ नहीं, अपने को कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, 9000 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। ज्यादा वाले केसेस टू केसेस हैं, कौन कौन से बेटा 325 प्लस कितना 445, आंसर इज 770, तो 770 अपनी फेवर कर दो। उसने क्या बोला, मोर देन 9000 किलोमीटर, तो 9000 किलोमीटर से ज्यादा वाले केसेस कितने हैं, 82 केसेस हैं, 325 वाला 445 वाला दोनों कितना आया बेटा 770, तो P of E2 कितना आया बेटा 770 अपॉन 1000 दैट इज 0.77 इज आवर आंसर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, लेट E3 बी द इवेंट, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड समवर्ट बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000, 4000 टू 14000, 4000 से लेके 14000 तक बेटा, 4000 यहां से स्टार्ट हुआ 210 और कितना बेटा 325, और ये तो मोर देन 14000 है, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे और इसको भी रिजेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि वो लेस देन 4000 है, उसने बोला 4000 से ज्यादा होना चाहिए, ये क्या है मोर देन 14000, तो इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया। कितना आया बेटा 535, तो P of E3 क्या आ जाएगा बेटा
535 upon total number of cases, that is 1000, 0.535 is our answer. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए. ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बिफोर ए टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड. द टेबल शोज द रिजल्ट्स ऑफ 1000 केसेस. डिस्टेंस लेस देन 4000, ऐसे कितने केसेस हैं? 20 केसेस हैं. 4000 टू 9000, दैट इज 210 केसेस. 9001 टू 14000, 325 केसेस. More than 14,000, that is 445 cases. Okay, beta. First, what is the probability that it will be need to be replaced before it covered 4,000 kilometer? 4,000 kilometer cover करने से पहले tire को replace करना पड़ा. ऐसे कितने cases हैं beta? 20 cases हैं. Total कितने? 1,000. 21,000. Next, it will last more than 9,000 kilometer. 9,000 kilometer से ज़्यादा भी वो खत्म हो गया, तो उससे आगे वाले case 325 and 445, that is 770 upon 1000, that is 0.77. Next, last one, it will need to be replaced after it has covered somewhat between 4000 km and 4000 km se leke 14000 km tak. To ye do case aane wale hain. 210 plus 325, that is 535. 535 upon 1000 is our answer. Next question. Yes, better. Next question. 50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seeds and were kept under standardized condition favorable to germination. Okay, beta. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follows. Okay. 5 bags है हमारे पास, उसके अंदर 50-50 seeds है बेटा, उसमें 20 days की बाद कितने germinate हुए, वो condition, वो हमें situation given है, ठीक है, मैं वो लिख रहा हूँ. यहाँ पे है bags, first, second, third, fourth and fifth, 5 bags है बेटा, ठीक है, और उसमें से number of seeds germinated. First में 40, second में 48, third में 42, fourth में 39 and last one, that is fifth में 41. ठीक है. What is the probability of germination? What is the probability of germination of 40 seeds in a bag? Second, 49 seeds in a bag. And third one, more than 35 seeds in a bag. More than 35 seeds in a bag. Yes, beta. See carefully. क्या है इस क्वेश्चन में? आपको कुछ रिकॉर्ड दिया है, 50 सीड्स हैं बैग्स में, ठीक है, और कुछ कंडीशंस हैं उसके अंदर, उस बैग को रखा जाता है, तो उसमें कितने जर्मिनेशन हुई है, कितने सीड्स, ठीक है, वो हमें बताया गया. फर्स्ट बैग में कितने? 40, सेकंड में 48, थर्ड में 42, फोर्थ में 39 एंड फिफ्थ में कितने? 41. ठीक है बेटा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग? लेट इवन बी द इवेंट ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग
हाँ जी, ऐसे कितने बैग है जिसमें 40 से ज्यादा सीट्स जर्मेट हुए हैं? चेक करो बेटा, 40 से ज्यादा। एक तो सेकंड बैग है, एक लास्ट फोर्थ और एक सॉरी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। कितने बैग्स हैं? 3 अपनी फेवर कर रहे हैं। टोटल कितने हैं? लेट पी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, नंबर ऑफ फेवर, फेवर में है 40 से ज्यादा जिसमें जर्मिनेशन हुई है बेटा। कितने बैग्स हैं? 3। टोटल बैग्स कितने हैं? 5। 3/5 इज आवर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड, 49 सीट्स हैं बैग। लेट ई टू बी द इवेंट, 49 सीट्स इन ए बैग, और ऐसा कोई केस इसमें है ही नहीं। तो कितने केसेस है? 0। पी ऑफ ई टू क्या आएगा बेटा? 0/5, दैट इज 0। लास्ट वन थर्ड, मोर देन, लेट ई थ्री बी द इवेंट, मोर देन 35 सीट, मोर देन 35 सीट्स। हाँ जी, कितने केसेस हैं? सभी में 35 से ज्यादा है तो कितने केसेस हैं? 5 केसेस। पी ऑफ ई थ्री 5/5। किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आती है तो उसके क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई केस है ही नहीं जहाँ पे कितने 49 सीट से ज्यादा 49 सीट जनरेट हुए हो, ऐसा कोई केस नहीं है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऐसी इवेंट जिसमें 35 सीट से ज्यादा हुए हो, तो सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें 35 से सीट से ज्यादा है। कितने बैग्स हैं टोटल? 5/5, दैट इज 1। 1 आंसर आता है तो क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं हम? श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर। और जब 0 आता है क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और फर्स्ट केस क्या था? मोर देन 40 सीट्स इन बैग। ऐसे कितने बैग्स जिसमें 40 से ज्यादा, 40 को नहीं लेना, मोर देन 40, 48 वाला केस, 42 वाला केस एंड लास्ट वन 41 वाला केस। 3 केसेस अपनी फेवर में, टोटल केसेस कितने हैं? 5। 3/5 इज आवर आंसर बेटा। यस बेटा, आपको कुछ ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं बेटा।